जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव, आप देख रहे हैं फोर्स अकेडमी फिजिकल। जैसा कि आपने वीडियो देखा है उसमें आपने देखा है कि एक रनर है जो कि काफी स्पीड में दौड़ रहा है और फिर अचानक गिर जाता है। आखिर क्या होता है उस कारण क्या होता है? अधिकांश बच्चे जब बिगनिंग में स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं रनिंग की, और जब वो पेस मेंटेन करते हैं, जब आप स्पीड में तेज दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका स्टमक पेन होना स्टार्ट हो जाता है, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? होता ही नहीं होता आप लोगों के साथ? तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी कोर की स्ट्रेंथ है वो काफी कमजोर होती है। तो कोर की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन लॉजिक समझिए पहले। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी पावरफुल नहीं होती है, आपके अंदर स्टेमिना इतना अच्छा नहीं होता है, इसके कारण आपकी बॉडी के अंदर जल्दी थकान होती है, और जब पेस मेंटेन करते हैं तो स्टमक पेन आना स्टार्ट हो जाता है। एक तो होता है स्टमक पेन और एक होता है लेग पेन। तो आज हम सिर्फ डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे रहे हैं आपको स्टमक पेन से रिलेटेड। अगर आप भी जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं और आपकी कोर के अंदर यानी कि पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तो आपको बेस्ट 5 वर्कआउट करना है। इन वर्कआउट को करेंगे आफ्टर रनिंग। आप जैसे रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं इन 5 वर्कआउट को कम से कम 7 डेज कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आपका जो स्टमक है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप जब दौड़ना स्पीड में स्टार्ट करेंगे तब आपको काफी हेल्प करने वाला है आपका पेट। तो चलिए बिना कोई देरी के करते हैं शुरुआत। आपको पहली एक्सरसाइज करनी है आपके स्टमक को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए, प्लैंक। अब प्लैंक करने का एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है। अधिकांश लोग प्लैंक के फॉर्म को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, उस प्लैंक के फॉर्म को गलत तरीके से लगाते हैं, यानी कि ये जो एक्सरसाइज है इसको गलत तरीके से करते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि आपके शोल्डर्स पे ज्यादा लोड आता है। देखो ये फुल कंप्लीट वर्कआउट है, कंप्लीट इंगेजमेंट है इसमें बॉडी का, क्योंकि प्लैंक के दौरान आपकी होल बॉडी वर्क करती है, इसमें हर एक मसल्स वर्क करता है, खासकर आपका स्टमक एंड आपका शोल्डर्स। तो गलतियां कहाँ करते हैं आप यहाँ पर? कई बार आप आपके हिप्स को ऐसे उठाकर रखते हैं तो ये गलत फॉर्म होता है। कई बार आप आपके हिप्स को एकदम डाउन कर लेते हैं। बेसिक्स जो फॉर्म है, दोनों पैर एकदम करीब रहेंगे, हिप्स डाउन रहेगा, नजर आपके सामने रहेगी। ऐसा आपको कम से कम एक एक मिनट के 3 बार सेट करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपका कोर जो पेट है वो मजबूत होगा। पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज करने से पहले मुझे आप कमेंट्स करके बताएं भाई कि कितने लोगों का MP पुलिस के अंदर 87 में सिलेक्शन हुआ है, और 13 वाले भी कमेंट्स कर दे भाई कि आपका कब था पेपर, आपका कब कौन सी शिफ्ट में पेपर था, कितने आपको नंबर आए, ताकि एक हम कंप्लीट बता पाए वीडियो बनाकर कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा फाइनल फिजिकल और रिटर्न का। अगर आप फोर्स एकेडमी की फिजिकल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, MP पुलिस की रिटर्न बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नवलक्का वाले कैंपस में हमारे यहाँ पर एकेडमी पर बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। नंबर है 9691007672। चलिए अब वीडियो पे फिर से रिटर्न लौटते हैं। आपको एक एक्सरसाइज बता दी मैंने, सेकंड एक्सरसाइज में आपको फिर से टर्न हो जाना है। आपको लगाना है बॉट पोस्चर, यानी कि बॉट एक्सरसाइज करना है। बॉट फॉर्म में भी आपको ध्यान रखें कि आपका जो फॉर्म रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। इस तरीके से जब आप करना स्टार्ट करेंगे, आप जब डे वन करेंगे ना, तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होगा। देखो ऐसे कपना स्टार्ट हो जाएगी आपकी बॉडी। अगर आपकी बॉडी कप रही है मतलब कि आपका कोर का स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है। कम से कम ये वाली एक्सरसाइज को आपको 33 सेकंड 3 बार लगाना है। जब तक आपकी 30 सेकंड की स्ट्रेंथ नहीं आ जाती है, आप ये समझ लेना कि आपका रनिंग करते वक्त पेट दर्द होगा ही होगा। तो ये दो एक्सरसाइज हो गई है। तीसरी एक्सरसाइज में आपको करना है माउंटेन क्लाइंबिंग। अब माउंटेन क्लाइंबिंग में क्या होता है, माउंटेन क्लाइंबिंग में आप जब करते हैं तो ये एक मोमेंटम वाली एक्सरसाइज होती है कि कोर की स्ट्रेंथ अच्छी डेवलप होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है आपको सिटअप। देखिए सिटअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है, इसमें कई बार क्या होता है, सिटअप्स के बारे में आपको बेसिक रूल्स बताता हूँ। आपका सिटअप्स अगर जब लगाते हैं आप पहली बार, रुक जाओ होल्ड कर, जब आप पहली बार सिटअप्स लगाएंगे तो आपके पैर है ना उठने लगेंगे, ऐसे उठते हैं, और आप सही तरीके से लेग फोल्ड करके सिटअप्स नहीं लगा पाएंगे। हाँ कई लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लेग लगाकर सिटअप्स लगाते हैं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाना है यहाँ पर, क्योंकि हमें पेट मजबूत करना है, तो आपको ऐसे लेग को बेंड करना है। अब कोशिश करें कि अगर शुरुआत में आप नहीं कर पा रहे सेल्फ, तो यहाँ पर किसी से वेट रखवा ले, वजन रखवा ले, या फिर जब आप लगाना ऐसे फ्री हैंड लगाना स्टार्ट कर देंगे, आपके पैर नहीं उठेंगे, तो आप ये समझना कि हाँ आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये वाली एक्सरसाइज भी आपको 25 बार करना है।
एक सेट आपका रिपीटेशन रहेगा, टोटल 3 बार करना है, 25-25 के सेट रहेंगे इसमें। अब लास्ट एक्सरसाइज बचती है इसमें आपका रहता है लेग राइज। लेग राइज को किस तरीके से करना है आपको, इसमें खासकर ध्यान रखिए आपका ग्लूट्स अप नहीं होगा। नाउ स्टार्ट, हिप्स अप नहीं होगा, यहाँ पर सेम ऐसे फॉर्म चलेगा। अब ये एक्सरसाइज इतनी मजबूत हो जाती है कि यहाँ पर पत्थर भी मार दो ना, अगर छुरा हो वो भी घुसा दो तो घुसेगा नहीं, है ना। देखो कितना मजबूत है बंदे का पेट। बस इसके लिए एक लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको निरंतर यहां से देखने को मिलेंगे। मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको भी बनना है धावक तो आइए फोर डिफेंस अकेडमी। बोले भारत माता की जय।